हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सनी कुमार गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं टेक्स सनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि दोस्तों, बहुत से नए यूट्यूबर हैं और यहाँ तक दोस्तों बहुत से पुराने भी यूट्यूबर हैं जिनको दोस्तों टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं मालूम, जो कि वैसे से दोस्तों आप लोग को एक सबके ईमेल पे ईमेल आया था कि हमको यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना है। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या है और दोस्तों उसके रिलेटेड कुछ मेरे पास सवाल है जो आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो कि दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर बात करें तो यहाँ पे नए यूट्यूबर हैं जो कि यहाँ पे ये लोग सवाल किए हैं कि दोस्तों, मतलब यहाँ बहुत सारे सवाल है जो इसी वीडियो में आपको लाइव करके बताने वाला हूँ। अपने मोबाइल में जितने भी अभी मैसेज आए हैं उसका सही यहाँ पे जवाब क्या है पूरी तरफ देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं और जानते हैं आज के क्या सवाल आए हैं। तो पूरी तरह वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हो सकता है यहाँ पे आपका भी सवाल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि हमारे जैसे बहुत से नए यूट्यूबर हैं जो कि यहाँ से जानकारी ले सकते। सबसे फर्स्ट सवाल आता है दोस्तों सब्स लवंडा का, जो कि यहाँ पे लिखे हैं सर या फिर कोई तो प्लीज आंसर दो, हम्बल रिक्वेस्ट में अगर नया क्रिएटर हूँ या अभी तक मेरा मोनेटाइजर नहीं हुआ, 31 मई के बाद अगर मेरा एडसेंस स्टार्ट हुआ तब मैं क्या करूं। तो उनको ये करना है कि मतलब यहाँ पे उन लोगों को टेंशन नहीं ले, जिनका मोनेटाइज है मोनेटाइज नहीं हुआ उनको कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 31 मई के बाद अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो इसका पेमेंट जो एडिशंस का पेमेंट सेटिंग है उसके अंदर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल अभी उन लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा सवाल दोस्तों आता है यूएसए वाले फन टू फन यहाँ पे पूछते हैं, यूएसए वाले समझते क्या है अपने आप को। तो इसका तो मेरे पास कोई सवाल नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो भी यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ समझ में आ गया होगा और यहाँ पे देख सवाल आपका जो भी सवाल है यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक और सवाल आता है यहाँ पे रीड एंड लर्न एवरीवन में पूछा है यहाँ पे सर हाउ मेनी चैनल यू टू ऑपरेट विथ वन मोबाइल, मतलब इनका पूछने का ये सवाल है कि एक मोबाइल से हम लोग यूट्यूब चैनल कितने चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर एक मोबाइल से अलग अलग ब्राउजर की अगर बात करें तो यहाँ पे अनलिमिटेड चला सकते हैं। अगर दोस्तों अगर बात करें एक ब्राउजर से जैसे कि गूगल क्रोम ब्राउजर है, यहाँ से मिनिमम यहाँ से 9 से 10 आप चैनल चला सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपका सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा, ठीक है। दूसरा सवाल है तो दोस्तों जेनिस पटेल की, ये पूछते हैं दोस्तों अगर हमारे वीडियो में यूएस से व्यू नहीं आते हैं तो भी क्या टैक्स लगेगा, प्लीज एनीवन आंसर मी। मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यूएस के जो भी व्यूवर देख रहे हैं यहाँ पे, कि जो भी यहाँ पे व्यूवर हैं अगर यूएस से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं उन लोग के उनका टेंशन छोड़िए, अगर आप यूएस से देखेंगे या नहीं देखेंगे तभी भी ये टैक्स आप लोगों को टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा 31 मई के अंदर जिसका चैनल मोनेटाइज हो गया है उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हिमाचली पहाड़ वाली ब्लॉगर, ठीक है, पहाड़ी ब्लॉगर यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों हमारा अभी वर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हमें भी टैक्स वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, सर प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं, जिसका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है उनको ये फॉर्म फिल नहीं करना है। जिनके पास गूगल एडसेंस का जैसे कि अकाउंट बना लिए हैं उनके पास ये ऑप्शन आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों भाई मैंने भर दिए हैं, अच्छा अप्रूव वगैरह सब दिखा रहा है पर उसमें आइकन नहीं दिखा रहा है टैक्स फिल करने वाला अभी तक, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट इनका क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जैसे कि फॉर्म भर दिए थे लेकिन वहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है भरने का, तो लोग क्या करें गूगल एडसेंस में जाएं, पेमेंट सेटिंग में जाएं, उसमें दोस्तों टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म जो है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं ऑल ए टू जेड, ठीक है, ये पूछ रहे हैं सर जिनका मोनेटाइज नहीं है क्या उनका भी करना है, तो नहीं, ये पहले मैं बोल रहा हूँ नहीं, इसके ऊपर एक टॉपिक वीडियो मतलब यहाँ पे एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके दोस्तों पूरी क्वेश्चन और आंसर सबको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों अगर चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो फॉर्म भरना है या कि नहीं भरना है, नहीं भरना है, जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है वो नहीं भरेगा, जिनका चैनल मोनेटाइज है वो 31 मई के पहले पहले भर लें क्योंकि दोस्तों लास्ट 31 मई है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आता है मोनेटाइजेशन मैन का, यहाँ पे लिख रहे हैं सर मैं भी ब्लॉग में मोनेटाइज हूँ, पेमेंट नहीं आई है अभी तक, $10 भी नहीं हुए हैं, ये 31 मई से पहले $10 कंप्लीट हो जाए तो टैक्स इन्फॉर्मेशन भरू क्या, रिप्लाई में सर अर्जेंटली, ठीक है। ये यहाँ पे $10 की बात नहीं है, $2 की बात नहीं है, अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट बन चुका है उनको ये फॉर्म मतलब भरना ही भरना है, ठीक है, 31 मई के पहले पहले। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पे आता है किरण कुमारी और जिनका मोनेटाइज नहीं हुआ है तो उनको अभी एक भरना नहीं है, जिनके पास गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है उन लोगों को भरना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है यूट्यूब के बारे में आपकी वीडियो से सीख रहा हूँ, थैंक यू सो मच कि हमारे वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रही है। नेक्स्ट सवाल आता है उसका अटल बिहारी टेक्निकल, सर मेरा पैन कार्ड ही नहीं है बना है अभी, सर क्या करें, प्लीज सर आंसर मी नेक्स्ट वीडियो। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जिनके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो गूगल एडसेंस उन्हीं के लोगों के नाम से बनाए, जिनके उनके पेरेंट्स के पास कोई भी पैन कार्ड है उनके उन्हीं के नाम से गूगल एडसेंस बनाए, उनका पैन कार्ड आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग के पास सवाल का जवाब मिल गया। नेक्स्ट सवाल आता है तो फैक्ट कीड़ा पूछ रहे हैं यहाँ पे, मेरा एडसेंस अकाउंट है लेकिन मोनेटाइजेशन नहीं है,
आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट होगा तो ये आपके पास मैसेज गया होगा टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने का, अगर नहीं दिख गया होगा तो आप लोग पेमेंट सेटिंग में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों मोंटिंग गेमिंग का, सर अगर हमें अगर मोनेटाइजेशन नहीं है तो क्या करेंगे, या अभी यूट्यूब स्टार्ट किए हैं तो क्या करें, प्लीज प्लीज बताएं। जिनका अभी तक मैं हमेशा बोल रहा हूँ जिनका मोनेटाइज चैनल नहीं हुआ वो अभी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जिनका गूगल एडसेंस बना हुआ है उनको ये टेंशन लेने की जरूरत है चाहे चैनल मोनेटाइज हो या नहीं हो। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जिनका चैनल का गूगल एडसेंस है बना हुआ है उनको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शुभम कुमार के, यहाँ पे दोस्तों पूछ रहे हैं टैक्स फॉर्म भरने के बाद भी अभी एडसेंस में ऊपर नोटिस दिखा रहा है टैक्स फॉर्म अप्रूव हो चुका है, ईमेल भी आ चुका है, सर आप लोग क्या कीजिए कि जिनके पास ये टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म जो भर चुके हैं फिर भी गूगल एडसेंस में उनका ऊपर में एक नोटिफिकेशन आ रहा है माइनस इन्फॉर्मेशन या डिसमिस का कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है, उस पर जाकर दोस्तों आप लोग को डिसमिस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर दोस्तों ये अगर वीडियो देख रहे हैं इस पर भी एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनेगी वो भी वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों चंद्रमोहन यहाँ पर लिख रहे हैं सर मेरा अभी तक $10 नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है जब तक आपका $10 हो जाएगा वो सही है, लेकिन आपको अभी तक गूगल एडसेंस में ये मैसेज आ चुका होगा कि टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है ये भरना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोटिवेशन भी लाइक, ये पूछ रहे हैं सर आप सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वेरी वेरी थैंक यू सर, थैंक यू सर, तो आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि हमारा वीडियो आप लोग को देख के कुछ आप लोग को सीख रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सी अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों ये यूट्यूब के लिए है या ब्लॉगर में एडसेंस अप्रूव है उसके लिए भी है, दोस्तों जहाँ पे आपका गूगल एडसेंस लगा हुआ है चाहे वो ब्लॉगर कर रहे हैं चाहे वो यूट्यूबर कर रहे हैं या दोस्तों कुछ भी है जो गूगल एडसेंस से पैसा कमा रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है 31 मई से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों मुकेश सबरिया का, ये गुजराती में लिखा है सर मारे बहुत मोटी प्रॉब्लम आई है एडसेंस में टैक्स भरवानो ऑप्शन नहीं और नोटिफिकेशन पर नहीं तो मारे केवी रीते भरोसा प्लीज बताओ सर, तो ये गुजराती में लिखे हैं तो इनका मैं सेटिंग में बता रहा हूँ, तो ये अपने गूगल एडसेंस में जाएं पेमेंट सेटिंग में जाएं और वहाँ पे दोस्तों आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म जो है पांचवें नंबर पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन आता है ऑथोथेटिक ज्ञान की, जो कि यहाँ पे लिख रहे हैं मेरा तो अभी तक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है एंड मेरा एडसेंस भी नहीं है, क्या मुझे भी करना पड़ेगा। दोस्तों आने वाले समय में जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और गूगल एडसेंस का अकाउंट बन जाएगा तो ये आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ गूगल एडसेंस के बारे में न्यू क्वेश्चन, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इससे जितने भी लोगों ने सवाल पूछा था तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा और जिनको नहीं समझ गया वो वीडियो देख के समझ गए होंगे, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसा दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को आप लोग शेयर करें इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप जिस पे ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो अभी तक कोई भी किसी भी चैनल पर नहीं बनी हुई है, इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आप लोग को कुछ भी सीखें तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।